चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। हम सब अपना हाथ उठाएंगे, अपना हाथ बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों, दोस्तों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही है, वे दैवीय स्वास्थ्य में चल रहे हैं, वे आशीषित हैं और उनके हाथों के सभी काम आशीषित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कीजिए प्रार्थना। ओ रा बाबा शांताली जहेरे दिले बिरे बास्तान दलाबा ओम गदी जहान लदी जहाला करता सोप्र आन हवा ए ब्र आन दली ब्र दोजा आलहान दिले दी शाला हरे दी जिला जहाला दरे दी जहा बुझ आला बांद दी जाला गदी 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 मामा मांदले 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 गला बरा बरा गला बरा बला गला बला बरा गला बरा बला गला बला बरा गला बरा बला बरा बास शांत हला दा 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 शांत हला ऊरा बाबा जान दली जाला दला दा दी जाला 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 दा दी मोम रा जाला दाला जाला दाला जाला दाला बास शांत हला दी रा ला हरा हला हरा हला है हे माना मा शांत हली जाला बाबा बा ला ब्रदा शोम ब्रदो स्तहान लदी स्तहान लदा माखन दली जाला बा शे ब्रदो जाल दी जाला बा स्तान दे उब्र अल हद हिली ब्रदो शाल हद दे ला ब्रदी जान लहा रिबे दबु जहा ला बा बा जी दबा सहान लदा बाबा ओ बाबा बाबा जंग दे बरे बला बदा बा शान हली जहिर दे मोन दली जाला रा ले रे ले रे मान दला लरी ले रे मान दला रे ली दरी रमान दा हा बाबा ले ब्रदु बाली गदी ले वरा बाली दली ब्रदु मना गदी दला बरा बाली दला बरा बरा दरी ला बरा दी नंदला बरा बला रा बा जो ब्रदी जहा ला बरा बला बरे बेले 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 बे शान दला हा बाबा हला बरा बला बा हला बरा बला बा हरा ला बरा बला बरा बा हला बरा बला बरा बा हला रा बला बरा बा लिम बदी जांग ली दर हर हर हा ले ही 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 ला मा 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 शान थाली जाल हा दे ही दे दे शहा ला दा ला बाबा 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 दी जहाल हा दे ही दे 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 बा शान थाला बा ला बरा बांदे ली बू शांग अल ही दे दे बू जांग अल ही दे दे बू जांग ला ए दे ली बू जांग ला ही दे ली बू बू जांग ला जी ही दे ली बू बा जांग ला जी दे ली दास्ते ला बाबा बाबा बा शान दला जी दे ली बू जान दला बा शी दे ली बू जान दला बा शी दे बू ला बाबा बाबा शी दे ली बू जाला बा शान खतीस अंद हाल ही दे ली बू ला बाबा 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 शान दला रे दी शी दे ली बू शहाला बा लंबदी जांदला दे 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 शेर दे दे बू सूरा बस्तार दे लबदी जांदला जाबदी जांदला जाबदी जांदला बा शाबली जांदला बा सातली जांदला दा ले बिदे 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 ले ला बा 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 शांदला जीरा दला दा बा शांदला जीरा बा ला बा शांदला बा ऊरा बा ला बा री दले बे शांदला सिहिरा हा सिहिरा दा शहरा दा ऊरा दा दी सहरा दा शिवा बा ला बा बा शादा ला दी जहाले बे दे 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 बे ला बदर 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 लांद लिंगरा लांद ला बरा ना ली जाला दरे 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 ना मा खता ना मा गदर मा गला रे दरा उरले बरा बला गना रा बला बरा मा गदर उलो उल बा जीन ला बरा बला बरा मा गदर उदर दे सह मांगा दी ना मांगा दे मांगा दला बरे दले बरे बेले बरे दे शहान दा बा शो कुद दे ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम परमेश्वर, हम हमारे दोस्तों के परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि चल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनके काम आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। हुरे! तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से, ना कि देह से, चलता मैं
चीजों का विश्वास है, जानना कि कुछ है सच भले हमें वो न दिखे। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह को पढ़ने का मार्क के साथ, तो आए मार्क का तालियों के साथ स्वागत करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क है। आज है 17 सितंबर रविवार और आज का संदेश है, अपने कुओं में गंदगी को मत आने दो। बाइबल में से वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 15 वचन। ये कहता है, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तीनियों ने मिट्टी से भर दिया। पिछले रविवार हमने आप में निहित उद्धार के कुओं के विषय में सीखा। हर कुएं की तरह आपको अपने अपने कुओं को गंदगी से भरने से बचाने की आवश्यकता है। पुराने नियम में बाइबल के दिनों में यह बहुत ही सामान्य बात थी कि परमेश्वर की संतान के शत्रु उनके कुओं को मिट्टी से भर देते थे और उन्हें पानी लेने से रोक देते थे। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 15वां और 18वां वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं बाइबल में से। जैसे शत्रुओं ने कुओं को मिट्टी से भर दिया, वैसे ही शैतान कड़वाहट, झूठ बोलना और बुरी आदतों के द्वारा परमेश्वर के लोगों में उद्धार के कुओं को भरने की कोशिश करता है। आपको अपने साथ यह अवश्य ही नहीं होने देना चाहिए। कैसे? यह नियमित मनन और अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा, अपने कुओं को हर समय साफ रखने का यही तरीका है। हालेलुया। आओ मेरे पीछे इस प्रार्थना को करो। अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और हाथों को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं और मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। बोलिए, आपका धन्यवाद पिता, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा में चलता हूँ और आपके प्रेम को मेरे द्वारा बहने देता हूँ, वैसे ही मेरे उद्धार के कुएं खुल जाते हैं और साफ रखे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल में से वचन जरूर पढ़ना। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 15 और 18 वचन। आई लव यू ऑल, बाय बाय। वाओ, थैंक यू मार्क, आज के वास्तविकता संग्रह के संदेश के लिए। अगले बार मिलेंगे, बाय बाय।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, है ना, अपने दोस्त भाई बहन जो भी आपके आसपास है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सबको अब तक बहुत मज़ा आया है ना, बहुत कुछ आपने अब तक सीखा है। और अब समय है वचन का। प्रेज द लॉर्ड। और जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारे हथियार। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हम परमेश्वर के क्या हैं? सैनिक हैं। हालेलुया। और भले ही हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के क्या हैं? सैनिक हैं। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में एक सैनिक हैं। हालेलुया। और जिस तरह से पहले के समय में राजा हुआ करते थे, है ना, और राजा अपने देश, अपने लोगों को बचाने के लिए, है ना, राजा के पास राज्य में क्या होती थी? सेना होती थी। हालेलुया। और सेना लड़ाई लड़ने के लिए, है ना, खाली हाथ जाते थे? नहीं, है ना, उनके पास क्या होते थे? हथियार होते थे। राजा क्या बनाते थे? हथियार, है ना, तलवार, भाले, टोप, है ना, आज के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, वैसे ही लोहे के ऐसे बनाते थे पहनने के लिए, है ना। तो जो सेना होती थी और उसमें जो सैनिक होते थे उन्हें क्या दिए जाते थे? हथियार दिए जाते थे शत्रु से लड़ने के लिए, ताकि वो अपने देश, अपने लोगों की सुरक्षा कर सके। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के क्या हैं? सैनिक हैं। तो हमारे पास भी क्या होने चाहिए? हथियार। क्योंकि बिना हथियार का सैनिक कैसे लड़ेगा, है ना। तो परमेश्वर ने भी क्या किया है? हमें हथियार दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और ताकि हम हर परिस्थिति से लड़ सके, है ना। और परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? विजयी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और देखिए 4 वचन में क्या लिखा है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिए हैं वो शारीरिक नहीं है, यानी हमें तलवार, बंदूक, लाठी, भाले, इन सब की ज़रूरत नहीं है। हम इन चीज़ों के साथ लड़ाई नहीं लड़ते, पर हमारे लड़ाई के हथियार क्या हैं? गढ़ों को ढा देने के लिए, है ना, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, है ना। पहले के ज़माने में क्या होते थे? बड़े बड़े किले होते थे। राजा क्या बनाते थे? किले बनाते थे अपने देश की रक्षा करने के लिए, और सेना, है ना, उस किले से शत्रु से लड़ाई लड़ती थी। हालेलुया। और किला ऐसे बांधा जाता था कि शत्रु उसके अंदर ना घुस पाए। और परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? कि जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं वो इन गढ़ों को ढा देने, यानी गिरा कर चकना चूर करने वाले, मतलब इतने सामर्थी हमारे हथियार हैं। हालेलुया। वाव, इसका मतलब है तलवार, बंदूक से भी कई ज़्यादा क्या है? सामर्थ्य। ये हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे होंगे कि हमारी ये लड़ाई आखिर किससे है? प्रेज द लॉर्ड। चलिए वो भी हम देखते हैं कि लड़ाई आखिर किससे, किससे हमें लड़ना है, है ना। तो इफिसियों का 6वां अध्याय और 12वां वचन देखो क्या कहता है। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, मनुष्य से नहीं है, समझ रहे। तो कभी भी किसी मनुष्य को अपना शत्रु मत समझना, किसी मनुष्य से लड़ने के लिए मत जाना, क्योंकि वो हमारे शत्रु नहीं है।
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यानी हमारी लड़ाई उन दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो कहाँ पर है, आत्मा के स्तर पर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने भी जो हमें हथियार दिए हैं है ना, वो सामर्थी है। हालेलुया। वो शारीरिक नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई है ना लोगों से नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है, उन आत्मिक बलों से है, है ना, उन दुष्टता की सेनाओं से है जो कहाँ पर है, आत्मा के स्तर पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए, इनसे लड़ने के लिए, इनसे हम तलवार और बंदूक से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। और जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है वो सबसे पहले है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कह सकते हमारा हथियार, एक हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इब्रानियों उसका 4:12 देखिए वचन के बारे में क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, आप सोचेंगे परमेश्वर के वचन से कैसे लड़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में देखिए क्या कहा गया, परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है और हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा क्या है, तेज है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बिल्कुल परमेश्वर का वचन क्या है, एक हथियार है और वो सामर्थी है, वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। और दोधारी तलवार से भी क्या है, ज्यादा तेज और चौका है। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, वो आपको विजयी बनाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वचन आपको हर स्थिति के ऊपर क्या बनाएगा, विजयी बनाएगा। हालेलुया। जयवंत से बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की संतान के रूप में है ना, हमें वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना, उस पर ध्यान देना क्या है, जरूरी है। एक सैनिक हमेशा अपने जो हथियार होते हैं वो अपने ऊपर बांध कर रखता है ना, जब भी वो जा रहा है लड़ाई लड़ने, वो हमेशा तैयार रहता है ना। उसी प्रकार से याद रखें, हमें हमेशा तैयार रहना है। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर ध्यान देना, उस पर मनन करना क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन आपको हर स्थिति पर क्या देगा, प्रबलता देगा। वो आपको बताएगा क्या करना है, वो आपको सही तरह से सोचने के लिए तैयार करेगा, सही कदमों को उठाने के लिए उत्साहित करेगा, वो एक बल की तरह काम करेगा जो आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ले जाएगा। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, वचन आपको क्या करेगा, उस स्थिति में विजय देगा, प्रबलता देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने हथियार बांध लो, और सबसे पहला मैंने क्या कहा है, वचन। तो आपको क्या करना है, हर दिन वचन को पढ़िए। आपके पास बाइबल है, आपके पास वास्तविकता संग्रह है, उसे पढ़िए और समझिए है ना, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज इसमें जो लिखा है उसका क्या अर्थ है ना। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मैं जब पढ़ रहा हूँ मैं उसे समझ के साथ ग्रहण करा, अपना ध्यान उन पर लगाए रखिए है ना, जैसा वो कहता है वैसा ही करे। हर स्थिति में, हमेशा, हर पल आप एक मसीह है और हर पल हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक सैनिक है ना, वो अपने हथियार छोड़ नहीं देता, वो अपने हथियारों को हमेशा बांधे रहता है। उसी तरह से परमेश्वर के एक सच्चे सैनिक की तरह हमें भी हमेशा वचन में बने रहना है, उसे पढ़ना है, उस पर मनन करना है, और जब भी कोई परिस्थिति हो है ना, वचनों को लगाना है
और आप देखेंगे वहाँ पर एक चमत्कार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जाइए अपने घर में अपने दोस्तों को बताइए, वचन एक हथियार है, हालेलुया, वो जीवित है, वो सामर्थ्य है, दो धारी तलवार से भी क्या है, ज़्यादा तेज और चौका है। और अगर वचन आपके अंदर होगा, आप हर स्थिति में जीतेंगे, हारना असंभव है। अगर आपको जीतना है तो वचन आपके अंदर होना क्या है, ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखिएगा, इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, ये समय है घोषणा का, मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। जैसे ही मैं इसे विश्वास में बोलता हूँ, वैसे ही यह मेरे जीवन में परिणामों को उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहाँ पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। ग्लोरी, हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, आंखों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है और अपने हृदय से विश्वास करके बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी मेरी आत्मा को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो जहाँ कहीं पर भी अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं यदि अंधकार और शैतान के इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है, ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है, दिव्य स्वास्थ्य इनका है। मुझे आशीष दीजिए आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका परमेश्वर के इस महान परिवार में स्वागत है। समय है हम परमेश्वर को अपना भेंट दे सकते हैं, और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए।
ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं है। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर, आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं, बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं, है ना, आपके दोस्त, आपके घर में, परिवार में, सबको जरूर बताएं। हालेलुया। तो ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहां कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद करके धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को उनके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए, प्रेम के लिए। ओ हालेलुया। ले का सा ते मा सोक रहे था ली बा बाबा से ते मा मामा कंती लका से ते मा सोक तया बदी दबो संत न दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, कि आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। ये निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन रहे प्रभु, ये विजयी है प्रभु, ये चैंपियन, ये बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु, और आपका अनुग्रह महान रूप से इनके जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रही है, सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद अपने जाने अपने आने में, धन्यवाद देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु, इनके घरों में शांति आनंद है, भरपूरी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दिमाग के हैं और आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.